गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. यस्टरडे आई टॉट यू एक्सरसाइज सी विच वॉज ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर्स 1 to 6 इन द फॉर्म ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर. फर्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज डी टूडे. यू ओपन योर बुक एंड लुक एट द पेज नंबर 44 एंड ओपन योर नोटबुक ऑल्सो एंड राइट दिस एक्सरसाइज in your notebook. Let's start exercise D. Write T for truth for the true statements and F for false, F for the false statement. False ones. First, we all have same like and dislikes. False. Second, there are many benefits of living in a family. Third, we can bend our arms at the knees. False. Fourth, we should swallow the food we eat without chewing. False. Fifth and last, Guru Nanak Jayanti is also known as Guru Parab. True.
as homework. Write exercise D of page number 44 in notebook and learn it. Exercise D. Write T for the true statements and F for the false ones. सत्य कथन के लिए टी लिखो और असत्य के लिए यफ लिखो. सेकंड, वी ऑल हैव सेम लाइक्स एंड डिसलाइक्स. हम सब के एक समान पसंद और नापसंद होते हैं. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो राइट हियर फॉल्स यफ. सेकंड, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन ए फैमिली. परिवार में एक साथ रहने से अनेकों फायदे होते हैं. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो राइट हियर टी फॉर ट्रू. थर्ड, वी कैन बेंड आवर आर्म्स एट द नीज. हम हमारे घुटने से अपनी बाहों को मोड़ सकते हैं. नी इज एन ऑर्गन ऑफ लेग बट आर्म इज फॉर हैंड्स. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, सो राइट हियर यफ. Fourth, we should swallow the food we eat without chewing. हमें भोजन बिना चबाए निगल खाते समय भोजन बिना चबाए निगल लेना चाहिए. This is wrong statement. We should chew the food well. So here write yaf. Yaf for false. Fifth, Guru Nanak Jayanti is also known as Guru Parv. Guru Nanak Jayanti को गुरु पर्व के तरह जाना जाता है. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो राइट हियर टी फॉर ट्रू. यू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड फिल दिस इन योर बुक ऑल्सो. थैंक यू.